What's up? Hope you all are doing well. I'm also good. So आज हम शुरू करने वाले हैं नया ब्लॉग, और उस नए ब्लॉग में कुछ खास होने वाला है बिकॉज मैंने कुछ इंटरनेशनल फूड्स लाए हुए हैं. लाइक एक दो ही है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो फूड्स क्या है. इट्स लाइक आज हम ASMR बनाएंगे. सो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे. सो फिलहाल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या लाए हैं आज. सो ये है गोल्डन टाइकॉन बाय शेजवान, और ये नो एडिड ग्लूटन फ्री है ये, और ये प्योर कॉर्न प्रोडक्ट है. और ये मुझे पड़ा था कितने का, इसका अमाउंट यहाँ पर लिखा नहीं है बट अच्छा ये मुझे पड़ा था 50 रुपये का. सो ये इंटरनेशनल फूड है, तो हम आज आपको टेस्ट करके बताएंगे कि ये अच्छा है कि नहीं, मतलब कि ये ज़्यादा अच्छा है या हमारा जो देसी कुरकुरा टकाटक टेढ़ा मेढ़ा चिप्स एंड ऑल दिस वो ज़्यादा अच्छा है, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी. तो अभी मैंने इससे पहले ये कभी भी नहीं खाया है, सो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ. तो अनदर वन इज़ कॉर्निटोज नाचो क्रिस्प, ये भी इंटरनेशनल फूड है बारबेक्यू. सो जो नाचोस है वो मैंने इससे पहले भी खाया है, थिएटर में भी खाया है, और डोरिटोस का नाचोस भी आता है, आप लोग ने खाया होगा. तो जैसे हम सोचते हैं कि थिएटर में अलग तरह का नाचोस होता होगा या फिर जो पैकेट में है वो अलग होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. थिएटर में जो नाचोस मिलता है ना, और जो डोरिटोस का नाचोस है उनका जो फ्लेवर होता है ना एकदम बिल्कुल परफेक्ट एज इट इज़ होता है, मतलब कि उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है. डिफरेंस सिर्फ उतना होता है कि पैसों का फ़र्क है. वो नाचोस आपको 10-20 में मिल जाएगा, और वही नाचोस अगर आप थिएटर में खाएंगे तो आपको 100 से ऊपर ही उसका कॉस्ट पड़ेगा. सो ये 35 रुपीज़ का पड़ा है मुझे. तो ये भी एक इंटरनेशनल फूड है, तो दो मैंने इंटरनेशनल फूड लाए हुए हैं. तो वैसे मैंने एक लाया था चोकोस दूध के साथ खाने को, बट इसमें एक चीज़ आजकल मिल रही है, ये वो है ये क्या है? ये है बीम, ढोलकपुर वाला बीम, उसका एक वॉच है का एक कैसा है ये. बड़ी मशक्कत के बाद मैंने इस वॉच को, इस टेम्प्रेरी वॉच को अपने हाथ में लगा लिया है. गाइस आप देख सकते हैं. सो आज के जो ब्लॉग है वो मैं अकेले नहीं करने वाली हूँ, उसमें मेरी जो सिस्टर है वो भी मेरे साथ आएगी. तो अभी मैंने आपको दो चीज़ें दिखाई थी, वो है ये गोल्डन टाइकॉन वाइट और ये नाचोस, ये दोनों इंटरनेशनल है. और ये चोकोस हम नहीं खाने वाले हैं बिकॉज़ मैंने ब्रेकफास्ट के लिए लाया हुआ था. मैं अमर टेक्स गई थी वहाँ पर, तो उसका वीडियो मैं आपको देखना अच्छा रख दिखा दूँगी, आप देख सकते हैं अमर टेक्स गई थी. तो उसके अलावा भी मैंने एक चीज़ लाया है जो कि इंटरनेशनल नहीं है, ये सारे इंडियन है, बट आज हम लाइक ASMR टाइप कुछ करने वाले हैं थोड़ा सा, मतलब फ़न के लिए. तो ये है रिच चॉकलेट, और इसमें मुझे बाय वन गेट वन फ्री मिला था. इसमें मुझे एक ऑफ़र मिला था, वो एक मैंने पिछले कल ही खा लिया था. सो ये एक अभी है, और उसके साथ बाकी मैंने कुछ घर का सामान लाया वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही. सो एक मैंने ये लाया है बिस्किट, ये है बेकरी का यह चॉकलेट पीनट बिस्किट, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है. आप लोग देख सकते हैं कितना डिलीशियस है ये. सो मैंने लाया है एलो फ्रूट का अनार जूस, और ये भी अनार है. और एक लाया है एलोवेरा वाला. सो और ये एक कॉफ़ी है. तो गाइस उसके बाद इस ठेले में पॉपकॉर्न है इस ठेले के अंदर, और एक ये है हाइड एंड सीक. तो एक खास तरह का पॉपकॉर्न लाया है मैंने, बट वो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, उसका मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी. सो अभी टाइम हो चुका है मेरी दोस्त को यानी मेरी बहन को बुलाने का, तो मैं उसको बुला लेती हूँ. सो चलो बस ये रही जामो. हाय जी, हेलो. सो हम दोनों करने वाले हैं ASMR. तो
सबसे पहले मैं आप लोगों को मतलब बताती हूँ कि जैसे हमें कुछ फूड मतलब कि जो भी हमने लाया है वो अगर हमें पसंद आया होगा तो हम ऐसे करेंगे, अगर पसंद नहीं आया होगा तो हम ऐसे करेंगे। ओके हाँ हो जा, दो ही चीज़ें करनी है और बाकी सब कुछ साइलेंट मोड में होने वाला है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये उतना अनार जैसा फ्लेवर नहीं दे रहा उतना भी, बट स्टिल अभी जैसे हमने दो चीज़ें ट्राई किए थे तो ये काफ़ी अच्छा था, मतलब बुरा नहीं था, काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा था। और नाचोस की बात करें तो बिल्कुल थिएटर वाला नाचोस ही की तरह ही है ये, कुछ भी मतलब डिफरेंट नहीं है। तो 35 रुपीज़ इसके लिए पे करने से अच्छा हो सकता है कि आप डोरिटोस वाला जो नाचोस है 10 रुपीज़ में आता है उसको अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज बिल्कुल सिमिलर टेस्ट है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है तो क्वालिटी का या ऐसा कुछ, मतलब कि कवर, इनका कवर थोड़ा हार्ड है, ठीक है, ऐसा कुछ, अदरवाइज सेम डिट्टो फ्लेवर है। तो अब हम खाएंगे रिच चॉकलेट यूनिबिक का, तो इसे हम ट्राई करेंगे। लास्ट वन ट्राई करने जा रही है ये बिस्किट, होपफुली ये भी अच्छा हो, बाय द वे ये अच्छा होगा। और इसके लिए मैंने पे किया 70 रुपीज़, और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल
अमेजिंग टेस्टी, फिर उतना ही टेस्टी होना चाहिए, तो लेट्स ट्राई इट। इतना टेस्टी है ये, यू कैन सी इसके ऊपर पीनट लगा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही स्मूथ और काफ़ी बटरी है। ऑल गुड, तुम्हें कैसे लगा सारा चीज़? यम्मी, मुझे सब सब कुछ अच्छा लगा जो जो अभी अभी तक हमने खाया। अगर इन सब प्रोडक्ट को 10 में से मार्क्स देना पड़े तो तुम कितना मार्क्स दोगे? मैं तो 10 में से 10 दूंगी क्योंकि मुझे सब अच्छे लगे, यम्मी थे सारे। यस, सब कुछ अच्छा था, ये भी काफ़ी हद तक अच्छा था। और आप सबसे अच्छा ये लगा, हाँ आप इसके लिए 50 रुपीज़ कर सकते हैं अफोर्ड, मतलब कि पे। सो गाइस, अगर हम हमारे कुरकुरे की बात करें तो कुरकुरे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इंडियन जो फूड है वो ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, उसको हम किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं इंडियन फूड को, बिकॉज इंडियन जो लेस है कुरकुरे वो सब कुछ ही अमेजिंग था। एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल फूड वो अच्छा था बहुत ही ज़्यादा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स इट, अब हम थोड़ा सा इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं, तो चलो हम लोग इवनिंग वॉक के लिए चलते हैं। तो मैं आप लोगों को इवनिंग वॉक कराने दे जाऊँगी और थोड़ा बहुत सीनरी दिखाऊँगी, सो चलो। गाइस, मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर बादल इतना ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऑसम अमेजिंग है। और ख़ास बात तो इस ब्रिज की ये है कि इसके नीचे कुछ भी पिलर विलर नहीं है, ये रॉड की सहायता से मतलब कि खड़ा है, जैसा आप लोग देख सकते हैं, तो उस वजह से ये जंप कर रहा है। अगर एक टाइम भी काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर चलने लगे तो ये टूट भी सकता है, मतलब कि थोड़ा रिस्की भी है, बट ये ठीक रहा है। अभी आप लोग नहीं देख सकते पर मुझे महसूस हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा सनसेट तो हो चुका है, तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा वादियाँ दिखा रही हूँ, तो आप लोग देख सकते कितना अच्छा मौसम है वहाँ पे, वाह बहुत ही अच्छा फील हो रहा है।